हेलो फ्रेंड्स, ये जियोनी का F103 प्रो मॉडल है। ये आप पूरी बॉडी देख रहे हैं ना, ये जो आगे का फ्रेम है इसके अंदर हमको ये जो मोबाइल का सारा पार्ट्स है इसको असेंबल्ड करना है। तो हमने इसको पहले डिसेंबलिंग की वीडियो बनाई थी, अब हमें असेंबल करना कैसे करना है ये देखिए। ये फ्रंट स्पीकर है, इसके बाद इसका यहाँ ट्रैक है। तो ये फ्रंट स्पीकर को हम यहाँ पर ऐसे फिट कर देंगे। फिट करने के बाद ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे इसका फ्रंट कैमरा होगा। हम फ्रंट कैमरे को ये देखिए, इसका फ्रंट कैमरा, इसके फ्रंट कैमरे को आगे सॉकेट में फिट कर देंगे। इसको फिट करने के बाद ये देखिए सर्किट है नीचे की, जो चार्जिंग माइक स्पीकर इसमें सब लगा हुआ है। देखिए चार्जिंग माइक है और ये वाइब्रेटर है। तो इसको हम इस सर्किट के नीचे यहाँ पे फिट कर देंगे और इसको बेल्ट वायर से हम कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये फिट हो जाएगा और ये इसका बेल्ट वायर है, हम इसको पुश करके कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप देखिए ये पूरी यहाँ पे फिट हो गई। अब हमें क्या करना है, ये मेन सर्किट है और उसके बाद ये देखिए इसका नेटवर्क किट है। तो हम इसके नेटवर्क किट को यहाँ पे फिट कर देंगे। उसके बाद ये सर्किट है, सर्किट में आपका सब देखिए लगा हुआ है नेटवर्क किट। ये जो है दोनों लास्ट पॉइंट पे कनेक्ट होता है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, अब सर्किट को हम इस तरह से इसको फिट कर देंगे। इस तरह सर्किट फिट करने के बाद इसमें हम डिस्प्ले का और कैमरे का और सभी का पत्ते को फिट कर देंगे। ये देखिए कैमरा हो गया, ये चार्जिंग के लिए पत्ता था उसका हो गया, हमने फिट कर दिया। इसके बाद ये डिस्प्ले के लिए पत्ता है, इसको हमने फिट कर दिया। ये पूरा देखिए कम्प्लीट फिट हो गया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए आपका जो कैमरा है फ्रंट कैमरा, जिसको कि फ्रंट नहीं बैक कैमरा है, इस बैक कैमरे को हम इसको यहाँ पे फिट कर देंगे इस तरह से। ये अब आपका बैक कैमरा यहाँ पे फिट हो गया, लग गया। उसके बाद आपको क्या करना, अब आपका बचता है ये वॉल्यूम की बटन। आपको वॉल्यूम की बटन को यहाँ पे प्रेस करके इसको इस तरह से चिपका देना। इसको आप जो आपका ये निकला हुआ है ये देखिए, इसको आप यहाँ पर फिट करने के बाद इसको आप यहाँ पर टेपिंग कर सकते हैं। टेपिंग करने के बाद या तो सोल्यूशन होगा वो लगा दीजिए, जिससे कि आपका उभड़े नहीं है। देखिए उभड़ रहा है तो आप सोल्यूशन लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपका फिट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें जो भी है सामान सारे पार्ट्स लगे हुए हैं। अब नेटवर्क वायर है, पेंच है, ये सब आपको इसमें भी फिट करना है। तो देखिए हम पहले इसमें सारे पेंच को लगा लेते हैं। पेंच लगा के पूरी बॉडी को हम फिट कर लेते हैं। ये देखिए आपका पेंच लग रहा है और पेंच लगाते वक्त हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमें ज़्यादा ज़ोर से पेंच नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर पेंच आपका बड़ा हो गया साइज से गलती से इधर उधर का, तो आपका नीचे जो डिस्प्ले है वो डैमेज हो सकता है और वो डिस्प्ले डैमेज हो जाएगा तो फिर आपका 1500 से 2000 रुपये तक खर्च आ सकता है। तो इसलिए आपको पेंच लगाते वक्त हम हल्के हाथ से लगे, जितना दूर तक जाए पेंच उतना ही लगाइए, ज़्यादा प्रेस मत करिए। देखिए इस तरह से आपका ये पूरा फिट हो गया है। अब ये बॉडी है, बॉडी में आपका वॉल्यूम की बटन है, ये वॉल्यूम बटन है, मैं इसको मैं डालकर उसको फिट करूंगा। उससे पहले फिट करने के बाद मैं इसमें भी नेटवर्क वायर है, उस नेटवर्क वायर को भी मैं लगा लूंगा। ये देखिए नेटवर्क वायर है, इस नेटवर्क वायर को मैं इसमें फिट कर लूंगा। नेटवर्क वायर इसलिए होता है कि ऊपर से नीचे तक कि अगर आपका नेटवर्क जैसे फ्रीक्वेंसी के लिए होता है तो नीचे अगर इसे आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपका नेटवर्क बहुत लो बताएगा। तो इसलिए इस वायर की बहुत ज़रूरी है, लगाना ही इसको पड़ता है, क्योंकि इसका सारा फंक्शन नीचे नेटवर्क वायर में दिया हुआ होता है। ये देखिए इस तरह से नेटवर्क वायर आपका फिट हो जाएगा। अब ये सेट आपका देखिए पूरा असेंबल्ड हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी जो बैक पैनल है, इस बैक पैनल में हम इसको फिट कर देंगे, क्योंकि इस बैक पैनल में देखिए आपका रिंगर लगा हुआ होता है, इसलिए रिंगर आपको असेंबल करने की जरूरत नहीं है, जिससे आपका गाना बजता है। अब इस तरह से देखिए हम इसको फिट कर देंगे और ये जो आपका जो वॉल्यूम की बटन है उसको आप चिपका लीजिएगा गोंद से, या कोई गम आता है T800 आता है उसके सॉल्यूशन से आप चिपका लीजिएगा। ये देखिए वॉल्यूम बटन मैंने डाल दिया है। अब इसको हल्के से यहाँ से हमने सॉकेट लगा के इस तरह से हम फिट कर देंगे। ये आपका जियोनी F103 मॉडल है, देखिए पूरा फुल असेंबल्ड हो गया है। इसकी मैंने पहले एक वीडियो डी असेंबल की बनाई थी, तो ये देखिए आपका कम्प्लीट हो गया है। अब ये आपका सेट एकदम तैयार हो गया बैटरी लगाने के बाद। तो इस तरह से आपका जियोनी F103 सेट तैयार हो गया दोस्तों। तो मेरे चैनल अवितेश फार्मा कंटेस्ट देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।